गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कार्यालय पत्र के अंतर्गत कार्यालय आदेश अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि पत्र लेखन का क्या महत्व है। तो आप सभी जानते हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं कि जो पत्र होते हैं वो हमारे विचारों, संदेशों, भावनाओं को दूर दराज तक पहुँचाने का काम करते हैं। पत्र विषय संदर्भ व्यक्ति विषय संदर्भ व्यक्ति आयु व स्थिति परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं। तो इस दृश्य से देखें तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक पत्र, जिसमें घनिष्ठ संबंध जो भी होते हैं, नज़दीकी संबंध, उनके लिखे जाते हैं। माता पिता, मित्र, सहपाठी या और सगे संबंधी, इनमें बातें जो भी होती हैं वो अनौपचारिक होती हैं, घुली मिली बातें होती हैं, घरेलू होती हैं। दूसरा औपचारिक पत्र, जिसको भी आप पढ़ चुके हैं। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में इसके अलावा व्यावसायिक कार्यालय पत्र आते हैं। तो इनर सेकेंडरी में कार्यालय पत्रों को शामिल किया गया है, इसके लिए निर्धारित 5 अंक हैं। तो आप ये भी जानिए कि पत्र चाहे किसी प्रकार के हों, उनमें जो कुछ निश्चित बिंदु होते हैं उनको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। प्रेषक का नाम, पता, दिनांक होता है। पत्र की सामग्री होती है, विषय वस्तु होती है। पत्र की पत्र का समापन, समापन सूचक शब्द, अभिवादन, संबोधन, स्वनिर्देश और अंत में प्रेषक के नाम और पता होता है। तो ये कुछ बिंदु होते हैं जिनको हमें पत्र लिखते समय ध्यान देने चाहिए। आज हम कार्यालय आदेश, ये एक औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है कार्यालय आदेश, इसका अध्ययन करेंगे। तो कार्यालय आदेश कैसे पत्र होते हैं? वे पत्र जिनके द्वारा किसी भी मंत्रालय या विभाग के कर्मचारियों को कार्यालय के आंतरिक क्रियाकलापों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, अवकाश आदि की स्वीकृति संबंधी सूचनाओं के लिए कार्यालय द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं, उन्हें हम कार्यालय आदेश कहते हैं। इस आदेश का संबंध एक व्यक्ति से भी हो सकता है और अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं से भी हो सकता है। लेखन हेतु आवश्यक निर्देश, लिखते समय हमें जो प्रारूप है उसका निश्चित पालन करना पड़ता है। तो सबसे पहले इन पत्रों में हम पत्रांक संख्या अंकित करते हैं, उसके बाद प्रेषक का नाम, पद, पता, तत्पश्चात शीर्षक के रूप में कार्यालय आदेश लिखते हैं, आदेश संबंधी विषय लिखते हैं, उसके बाद आदेश की जो प्रतिलिपि है वो किन किन व्यक्तियों को जाएगी, संलग्नक या प्रतिलिपि प्रेषित, आवश्यक कार्रवाई हो हेतु प्रतिलिपि प्रेषित, ये लिखते हैं। अंत में प्रेषक अधिकारी का हस्ताक्षर और पद होता है। कार्यालय आदेश में संबोधन या आभार नहीं लिखते हैं। कार्यालय आदेश हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पे एक पत्र लेते हैं, इसको समझते हैं और इसी का पालन करने का प्रयास करेंगे जो हमने अंत में कुछ प्रश्न आपको हल करने के लिए दिए हैं। तो उदाहरण इस प्रकार से है, श्री नवीन कुमार लिपिक का स्थानांतरण रेल मुख्यालय बड़ौदा हाउस नई दिल्ली से आरक्षण केंद्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया है। इस संबंध में स्थानांतरण संबंधी कार्यालय आदेश जारी कीजिए। तो सबसे पहले इसमें पत्रांक संख्या अंकित करेंगे, उसके बाद प्रेषक जो है उसका पता है, रेल मुख्यालय बड़ौदा हाउस नई दिल्ली, प्रेषक का नाम और पदनाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दिनांक लिखते हैं, दिनांक में हमेशा दिनांक लिख करके आप लिखिए 12 अगस्त 2020 या 21, इस प्रकार से दिनांक लिखते हैं। उसके बाद बिल्कुल मध्य भाग में कार्यालय आदेश लिखते हैं, उसके बाद विषय, श्री नवीन कुमार के स्थानांतरण के विषय में, उसके बाद एक लाइन गैप करके जो विषय सामग्री है उसको लिखते हैं। तो विषय सामग्री किस प्रकार से लिखी गई है, श्री नवीन कुमार का स्थानांतरण रेल मुख्यालय बड़ौदा हाउस नई दिल्ली से आरक्षण केंद्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 11 अगस्त 2020 को कर दिया गया है। श्री नवीन कुमार को 25 अगस्त 2020 तक नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने संबंधी रिपोर्ट कार्यालय भेजनी होगी। तो आप देखते हैं कि जितना कहा गया है उसमें सिर्फ
कोई भी आपको अनावश्यक विषय सामग्री देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद जो प्रेषक होते हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं, उसके प्रेषक के पद का नाम अधीक्षक, उसका जो पता है रेल मुख्यालय नई दिल्ली। उसके बाद ये जो पत्र की कॉपी है वो किन किन लोगों को प्रेषित की जाएगी वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रतिलिपि प्रेषित, इसकी जगह लिख सकते हैं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित या प्रतिलिपि संलग्न, इस प्रकार से। तो किसको किसको प्रतिलिपि भेजी जा रही है, उपाधीक्षक रेल मुख्यालय बड़ौदा हाउस नई दिल्ली, दूसरी प्रतिलिपि जाएगी उपाधीक्षक आरक्षण की नई दिल्ली, उसके बाद श्री नवीन कुमार लिपिक जिसके लिए पत्र भेजा गया है, श्री नवीन कुमार लिपिक रेल मुख्यालय बड़ौदा हाउस नई दिल्ली। अब हम ये पत्र हैं जिनको हम हल करेंगे। भारतीय खाद्य निगम नई दिल्ली की ओर से दो व्यक्तियों को खाद्य निरीक्षक पद पर नियुक्ति के संबंध में कार्यालय आदेश जारी करें। दूसरा है श्रम विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से, ये प्रेषक हो गया, श्रम विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से एक कार्यालय आदेश लिखिए जिसमें बच्चों के श्रम संबंधी प्रावधान में ध्यान न देने पर नाराजगी व्यक्त की गई हो। तो कार्यालय आदेश के अंतर्गत हमने उदाहरण के तौर पर एक पत्र को समझा प्रारूप के तौर पर, और ये दो अभ्यास हेतु प्रश्न हैं जिनको आपको हल करने होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।